में स्टेशन यार्ड में सामान लेकर जा रहा रेलवे इंजन कई घंटों की मशक्कत के बाद पटरी पर लौट आया। हाथरस रेलवे स्टेशन के PQRS यार्ड से रेलवे रूट में लगने वाले सामान को ले जा रही मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया, जिसकी सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टूंडला से दुर्घटना राहत गाड़ी से मौके पर पहुंचे। वहीं पर इंजीनियर व अधिकारियों ने लगभग 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को पुनः पटरी पर पहुंचा दिया। शाम 7 बजे के बाद ट्रैक चालू किया जा सका। घंटों चली मशक्कत के बाद ट्रेन ट्रैक को चालू किया गया, पर इस घटना की जानकारी देने से अभी रेलवे अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के किसी भी सवाल पर कैमरे के सामने कोई नहीं बोला। कुछ अधिकारियों ने कैमरे के सामने न आते हुए जरूर बोला कि इसकी जांच जरूर की जाएगी, ये हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी।